सबसे पहले ये मक्खन आ गया। अरे भाई पूरी आग लगा दी आपने तो। और भाई इस मूंगलेट को खाने के लिए एक बार पीछे की साइड मेरी भीड़ देख सकते हो, काफी ज्यादा भीड़ है। दोस्तों अभी मैं हूँ करोल बाग के अंदर और यहाँ पर एक चाट वाले केवी चाट करके जो कि चाट के लिए काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ पर एक आइटम मिलता है जिस आइटम का नाम है लाइव मूंगलेट। ये देखो हमारी मूंगलेट की प्रिपरेशन यहाँ पर तैयार हो गई है। तो सबसे पहले कौन सी दाल ले ली भैया? ये मूंग दाल की होती है। और भी कुछ मिला तो इसमें? अच्छा प्याज वगैरह मिलाया जाएगा, शिमला मिर्च आ गया, अपना स्वीट कॉर्न आ गया, नमक, ठीक है। और भाई इसकी पूरी मेकिंग देखना क्योंकि भैया मूंगलेट बनाने में आसान जरूर हो सकता है लेकिन जब भैया इसे उछालेंगे ना तो वो चीज जरूर देखना, आपको भी मजा आएगा। तो एक बार मैम आप बताएंगी आपको टेस्ट कैसा लग रहा है? तो मतलब टेस्ट आपको पसंद आया। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम है केवी चाट। तो ये देख लो भाई अपना मूंगलेट बनने के लिए तैयार हो गया। तो भैया इसे मूंगलेट क्यों कहा जाता है? ये मूंग दाल से बनता है इसलिए इसका नाम मूंगलेट है। अरे वाह, लाइव मूंगलेट बनाएंगे, सामने खिलाएंगे। और इसे बनने में कितना टाइम लग जाता है? एक मिनट, अच्छा एक मूंगलेट को बनने में लगते हैं 5 मिनट। और ये दूसरा मूंगलेट बना रहे हो? तो ये देखो भाई अब दूसरा मूंगलेट भी धड़ाधड़ यहाँ पर मूंगलेट बनता रहता है। और भाई भाई ने पूरा फिर दोबारा आग लगा दिया। उछालने वाले भाई एक बार जब उछालोगे ना तो बताना। और भाई ये सीखा कहाँ से आपने उछालना? ऐसे करते करते सीख गए? 5-6 साल हो गया। अरे वाह। और यहाँ पर देख लो भाई एक छोटा सा बच्चा अपना क्या खा रहे हो भैया? स्प्रिंग रोल खा रहे हो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खाते रहते हो यहाँ पर? पहली बार आए हो? पहली बार आए। फर्स्ट टाइम आए हो तो अच्छा लग रहा है, चलो एंजॉय करो। और भैया ये मूंगलेट में क्या क्या डाल दिया आपने? धनिया है और चुकंदर, अदरक और चुकंदर। अरे वाह, मतलब बनाते बनाते भाई कर्तव्यबाजी भी थोड़ी सी कर देते हैं। अरे वाह, अब देखना भाई उछलने वाला है और अब आएगा आप सभी को मजा। अरे भाई वाह, ये देखते रहना। अरे वाह, पूरा का पूरा ऊपर तक उछाल दिया। और भाई का दावा है अगर जगह होती है ना तो भाई पूरा ऊपर और उछाल देंगे। और एक बार और देखना। अरे वाह क्या बात है भाई, पूरा का पूरा उछाल दिया भाई ने। और एक बार यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दो तरह के मूंगलेट यहाँ पर मिलते हैं। 100 रुपये पर प्लेट वाला एक पीस होता है और एक होता है 120 रुपये में डबल बटर के साथ। साथ में यहाँ पर लिखा है डबल फ्राई व डबल करारा खजूर की चटनी के साथ। खजूर की चटनी अगर आप अलग से लेते हो तो 20 रुपये पर प्लेट के हिसाब से मिलता है। और यहाँ पर देख लो भाई अपनी जो मूंगलेट है तैयार हो गई है। भाई कौन कौन सी चटनी देते हो? धनिया पुदीने की चटनी है। अच्छा, धनिया पुदीने वाली चटनी आ गई। और ये अमचूर की चटनी आ गई। और ये तीसरी चटनी खजूर की, खजूर वाली चटनी है। चलो भाई, तो ये देखो भाई तीन तरह की चटनी मिलती है जिसमें से जो खजूर की चटनी है वो अगर आप लेते हो तो एक्स्ट्रा आप सभी को 20 रुपये देने पड़ते हैं। तो अपनी लाइव मूंगलेट यहाँ पर आ गई है, चलो टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि टेस्ट कैसा होने वाला है। एक बार बताइए यहाँ की टाइमिंग क्या होती होगी? 1 बजे से रात के 10 बजे तक। और ये लोकेशन कौन सा पड़ता होगा? 17/49 नंबर गली है। और 7 दिन खुला रहता है? 7 दिन। तो चलो भाई अब जल्दी से अपनी मूंगलेट को टेस्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि दिल्ली का सबसे फेमस केवी चाट का ये जो लाइव मूंगलेट है इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। टेस्ट करता हूँ, तीनों के साथ अलग टेस्ट करूंगा। हरी चटनी के बाद ये जो अमचूर वाली चटनी है इसके साथ और टेस्ट कर लेते हैं। ये अपनी खजूर वाली चटनी आ गई। तो तीनों चटनी के साथ मैंने खा लिया है। वैसे मुझे सबसे ज्यादा जो चटनी अच्छी लगी है अमचूर वाली चटनी अच्छी लगी है। खजूर वाली चटनी नॉट बैड है लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा ये जो चटनी है ना अमचूर वाली इसके साथ मुझे ज्यादा अच्छा लगा है, फ्लेवरफुल लगा है। बाकी ओवरऑल इसके टेस्ट की बात करूं तो प्राइस के हिसाब से टेस्ट अच्छा है। अगर आपको भी खाना है तो करोल बाग में आप सभी को केवी चाट पे आना है। ऊपर की साइड आप देख लो करोल बाग चाट के नाम से फेमस है ये और यहाँ पर इनका नंबर लिखा गया है।